हमें आई हैं। अब आप कहोगे महाराज 60,000 साल की उम्र में गुरुजी के पास क्यों गए? तो लोग कहते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, नहीं संतान मांगने के लिए नहीं गए। तो आप कहोगे महाराज बालकांड में हम पढ़ते हैं उसमें तो यही लिखा, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सुतनाही। 60,000 वर्ष की आयु वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज श्री दशरथ गुरुदेव के पास गए और हृदय गिलानी से भरा है। किसी ने पूछा कि महाराज क्यों जा रहे हैं गुरुजी के पास, बोले 60,000 साल के हो गए संतान नहीं हुई है इसलिए गिलानी से हृदय भर गया इसलिए जा रहे हैं। कहे तुम अज्ञानी हो, चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। महाराज श्री दशरथ महान ज्ञानी है और ज्ञानी व्यक्ति संतान के लिए नहीं रोता है, ज्ञानी व्यक्ति तो भगवान के लिए रोता है। क्योंकि महाराज दशरथ केवल ज्ञानी ही नहीं है, भक्त भी है। हृदय भगतमति सारंग पानी, और जिस ज्ञानी का चित्त भक्ति से युक्त होता है वो संतान के लिए नहीं रोता है, वो भगवान के लिए रोता है। इसलिए तुम अज्ञानी हो, जानते नहीं हो। अब रहस्योद्घाटन होगा। पहुंचे कहां? बोले गुरुजी के पास, गुरुद्वारे में जा रहे हैं। किसी ने कहा कि अगर संतान संबंधी समस्या होती है तो राजाओं के यहाँ वैद्य रहते हैं। वैद्य जैसे कोई शरीर में बीमारी हो जाए तो भैया उस बीमारी का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है ना, डॉक्टर करता है। अच्छा, प्रत्येक राज्य में राज्य वैद्य होता है कि नहीं होता है? होता है। राज्य वैद्य सबसे ज्यादा वरीयता राजा को देगा कि नहीं देगा? किसके उपचार में वरीयता देगा? वो राजा के उपचार में। तो महाराज श्री दशरथ वैद्य के पास क्यों नहीं गए, अथवा वैद्य को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? राज वैद्य को बुला सकते थे, अपना उपचार करा सकते थे, लेकिन महाराज श्री दशरथ ने कहीं किसी भी ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिला कि राज वैद्य को बुला करके अपना उपचार कराया हो। क्योंकि दशरथ जी महाराज संतान पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, संतान के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। और एक बात सुन लो, खास तौर से सुना रहे आपको, वैसे नहीं कह रहा हूं। भगवान राम की प्राप्ति के पहले उन्होंने अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता को ले लिया था, गोद ले लिया था। अच्छा बोलो, अगर संतान के प्रति पुत्र के प्रति आकर्षण होता तो पुत्र गोद लेते कि पुत्री? पुत्र लेता है व्यक्ति गोद के, पुत्री लेता है जल्दी पुत्र लेता है। वरीयता पुत्र की होती है, होती है कि नहीं होती? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने पुत्र नहीं लिया था गोद, पुत्री ली थी। इस बात का प्रमाण है कि नहीं? भगवान राम की बड़ी बहन का क्या नाम है? है शांता कि नहीं, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई? श्रृंगी ऋषि का यही जन्म हुआ आपके पास ही में, आपके धमतरी जिले में, नगरी धमतरी जिले में आता रायपुर में, धमतरी जिले में। वहीं से महानदी का उद्गम, महानदी का उद्गम वहीं है। अब आप कल्पना करिए, कौन नहीं जानता है दुनिया में कि महाराज श्री दशरथ ने शांता को गोद लिया था, ये अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी है, और श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह कर दिया। इसका मतलब है कि महाराज श्री दशरथ ये कह रहे थे कि पुत्र से मेरा कल्याण नहीं होगा, पुत्री से होगा। कैसे? बोले पुत्री के हाथ पीले करके जिस दिन मैं विवाह यज्ञ संपन्न करा दूंगा और अपनी पुत्री का हाथ पीला करके कन्या दान कर दूंगा, उसी दिन ये समझ लूंगा दशरथ तेरा कल्याण हो गया, तुझे मुक्ति मिल गई है। इसलिए महाराज श्री दशरथ का आकर्षण किसके प्रति है? पुत्री के प्रति आकर्षण है, पुत्र के प्रति नहीं है। लेकिन 60,000 वर्ष की आयु में ये संतान वाली बात कैसे आ गई? एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सुत न
नाही गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायु तब वशिष्ठ बहु विधि सम झायु धरहु धीर हुई है सुत चारी। जब जा रहे हैं तो एक बार भूपत मनमाही भई गलान मोरे सुत नाही एक वचन ध्वनित हो रहा है कि नहीं बोलो भई गलान मोरे सुत नाही एक ही वचन ध्वनित हो रहा है कि नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं धरहु धीर हुई है सुत चारी ये चार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वशिष्ठ जी महाराज जो चार की बात कर रहे हैं वो सुत के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने आश्वासन दिया था कि तिनके ग्रह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सो चारु। भाई बोलो ये किसने कहा था जन डरप मुन सिद्ध सुरेशा तुम्ही लाग धरी हो नर बेसा। उन मुनियों में सिद्धों में बोलो वशिष्ठ जी थे कि नहीं थे थे वशिष्ठ जी कि नहीं। वशिष्ठ जी ने अपने कान से सुना था कि भगवान ने ऐसा कहा है। इधर महाराज श्री दशरथ गुरुदेव के पास पहुंचे तो कहा गुरुदेव 60,000 वर्ष का हो गया लेकिन अभी तक सुत नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि तुमने सुता को गोद ले लिया है तुमने तो रोमपाद जी की सुता को गोद ले लिया है। कहां सुता को गोद ले लिया तो अब सुत की इच्छा कर रहे हो गोद क्यों लिया। कहा गुरुदेव आप तो इस मर्म को जानते हैं अगर संतान संबंधी कोई समस्या होती तो मैं वैद्य को बुलाता लेकिन भगवान संबंधी समस्या है इसलिए वैद्य नहीं सदगुरु की शरण में आया हूं क्योंकि बिना सदगुरु के भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान फिर सुत शब्द क्यों आया का बात यह है कि भगवान को सुत के रूप में भगवान को सुत के रूप में चाहो तुम ही समान सुत चाहो तुम ही। बोलो मनु जी ने यही कहा था कि नहीं चाहो तुम ही समान सुत आपको ही मैं सुत के रूप में चाहता हूं। इसलिए दशरथ जी ने कहा हे गुरुदेव दुनिया वाले कह रहे हैं अयोध्या वाले कह रहे हैं कि सुत के लिए रो रहा है दशरथ नहीं सुत के लिए नहीं रो रहा है परमात्मा सुत के रूप में प्राप्त हो जाए इसके लिए रो रहा है। अगर सुत के लिए रो रहा होता तो सुत का संबंध संतान का संबंध अवस्था से है अवस्था से ही संतान प्राप्त होती है लेकिन परमात्मा अवस्था से नहीं आस्था से प्राप्त होता है। अंतिम श्वास तक भगवान के प्रति आस्था बनी रहेगी तो भगवान आ जाएगा जिस रूप में चाहोगे उस रूप में आएगा। तो मैं सुत के रूप में चाहता हूं किसके रूप में सुत के रूप में वो मेरा सुत बन जाए। तो बोलो परमात्मा में सामर्थ है कि नहीं वो सब कुछ बन सकता है कि नहीं। अभी वकील साहब और हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे वहां कि वो द्रौपदी के लिए वस्त्र बन गया वस्त्रावतार हो गया कि नहीं और भक्तों के लिए कथा अवतार हो गया। बोलो तुम्हारे लिए कथा का अवतार हुआ कि नहीं हुआ ये कथा ही का तो अवतार है। भगवान में सामर्थ है कि नहीं वो सब कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है जल्दी बोलो सब कुछ बन सकता है। इसलिए महाराज श्री दशरथ संतान को मांगने के लिए नहीं गए थे सुत के रूप में भगवान को मांगने के लिए गए थे। इसलिए महाराज श्री दशरथ का संतान के प्रति आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति आकर्षण।